आज रोज श्रम रोजगार राज्य मंत्री ब्रिजेश भाई मिर्जा तथा खेती ऊर्जा अने पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुकेश पटेल ना वरद हस्ते कोर्स नी शुरुआत करवामां आवी हती। बीएससी स्टील टेक्नोलॉजी, बीएससी रिन्यूएबल एनर्जी अने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टील टेक्नोलॉजी आ त्रण कोर्स नी शुरुआत करवामां आवी छे। आ कार्यक्रम में मंत्री ब्रिजेश मिर्जा वीडियो कॉन्फ्रेंस ना माध्यम थी हाजर रह्या हता। तेमणे जणाव्युं हतुं के हालना समय में स्किल नी खूब ज जरूर छे। देशना वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए पण स्किल डेवलपमेंट उपर खास भार मूक्यो छे। युवकों स्किल डेवलपमेंट थकी पोतानुं अने देशनुं भविष्य उज्ज्वल बनावी शके छे। गुजरात सरकार पण ए ज दिशामां आगळ वधी रही छे। बीएससी स्टील टेक्नोलॉजी अने बीएससी रिन्यूएबल एनर्जी बे वर्षनो कोर्स छे, ज्यारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टील टेक्नोलॉजी एक वर्षनो छे। एएमएनएसना एचआर हेड अनिल मट्टूए कह्युं हतुं के आ तमाम कोर्स शरू थवाना कारणे आ क्षेत्रने खूब फायदो थशे। खास करीने स्थानिक विद्यार्थीओने नवी टेक्नोलॉजीनुं शिक्षण मळशे। अहीं सौथी वधुनी वात तो ए पण छे के त्रणेय कोर्सनो तमाम खर्च एएमएनएच कंपनी उपाड़शे। मंत्री मुकेश पटेल पण आ प्रयासने बिरदाव्यो हतो। आजे सूरतना अजीरा खाते एमएनएस द्वारा कौशल्या युनिवर्सिटीनी अंदर आजे लगभग 900 जेटला स्टूडेंटो भणी शके अने प्रेक्टिकल रीते અહીં કરી શકે એના માટે આજે આ યુનિવર્સિટીનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે। લગભગ 900 જેટલા યુવાનો 2 વર્ષની તાલીમ લેશે અને એમને 100એ 100% નોકરીની ગેરંટી સાથે આની અંદર ટ્રેનિંગ કરશે। અને ખાસ કરીને આ યુનિવર્સિટીની અંદર ગુજરાતના જ છોકરાઓ અભ્યાસ કરશે અને એમાં કારણે ખાસ કરીને સુરત જિલ્લાના અને લોકલ લોકોને જ અહીંયા પ્રેફરન્સ મળશે। એટલે આ જે યુનિવર્સિટી ચાલુ કરી એ બદલ એમએનએસને પણ હું અભિનંદન આપું છું અને જે છોકરાઓ જે ટ્રેનિંગ લેવાના છે એને પણ એને અભિનંદન આપું છું કે આવનારા દિવસોમાં તમારું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય આ એમએનએસમાંથી બનાવી શકશો। ખુશી છે કે આ ટર્મ્સ રહેગી ઓર ખાસ તો કેટલા બડા ફાયદા હોગા તો યે ગ્રેજ્યુએશન કોર્સિસ હૈ હમ શરૂ કર રહે હૈ બેચલર્સ ડિગ્રી ઇન સ્ટીલ ટેકનોલોજી બેચલર્સ ડિગ્રી ઇન રિન્યુએબલ એનર્જી ઓર પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા ઇન સ્ટીલ ટેકનોલોજી જિસમે સ્પેશલાઇઝેશન અલગ અલગ ફિલ્ડ્સમાં રહેગા। યે કોર્સ કી ખુસૂસિયત યે હૈ કે ઝ્યાદા ફોકસ રહેગા હેન્ડ્સ ઓન ટ્રેનિંગ કે લિયે ઓર ऑन जॉब ट्रेनिंग पे ज़्यादा हमें जो रहेगी तो 50% जो क्रेडिट्स है वो ऑन जॉब कोर्स के लिए रहेंगे और 50% क्रेडिट क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए रहेंगे। यहाँ पे महत्व हम देते हैं कि आदमी काम सीखे और हाथों से वो काम कर पाए। सर खासतौर पर जो लोकल यहाँ के लोग हैं लोकल स्टूडेंट्स हैं उनको कितना बड़ा फ़ायदा होगा स्किल को लेकर? ये जो इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का प्रमोटेड यूनिवर्सिटी है और इसमें गवर्नमेंट जो गुजरात के राज्य के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वही एनरोल किए जाते हैं तो मैक्सिमम फ़ायदा इसमें लोकल स्टूडेंट्स का होगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गुजरात स्टेट से ही रहेंगे। सर फीस को लेकर क्या है? ये कंपनी स्पॉन्सर्ड कोर्स है, पूरा जो फीस का खर्चा रहेगा वो कंपनी पे कर लेगी तो ये फुली कंपनी स्पॉन्सर्ड कोर्सेज रहेगा। यज्ञेश पटेल नो रिपोर्ट हजीरा।